फ्रेंड्स, आज हम पोखरा में हैं। कल हम लोग इवनिंग में आए। सो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए वो है ट्रेक में जाने का। तो जाने के लिए जो जो ट्रेकिंग का जो सामान लगता है, जो परमिट जरूरत होता है, वो सब चीज लेने के लिए आज जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा आप सभी के लिए, स्पेशली जो लोग आपका ट्रेकिंग के लिए आते हो। नेपाल ऐसा ही एक जगह है, ऐसा एक कंट्री है जो जगह से आप हिमालय को बहुत नज़दीक से, बहुत क्लोज से एंजॉय कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आता है, यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आता है, फॉरेन टूरिस्ट वगैरह। तो हम आज जाएंगे परमिट लेने के लिए। तो कहाँ पे परमिट मिलेगा वो भी दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ जो है वो है ट्रेकिंग इक्विपमेंट एंड नेसेसरीज। हम चाहें तो खरीद भी सकते हैं, लेकिन खरीद करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज इट इज़ ए वन टाइम एक्टिविटी। आप फिर कब आएंगे ट्रेक करने के लिए तभी और सामान लगेगा। इसलिए बेहतर चॉइस है कि आप रेंट में ले लो वो सब गियर्स और एसेसरीज। सो आज जाएंगे ये पोखरा में हम, किस दुकान से वो मिलता है, कहाँ पे मिलता है, क्या रेट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। हम आया अभी यहाँ पे, अब देख रहे हो मेरा ट्रेकिंग का इक्विपमेंट है, ट्रेकिंग का सामान बैग फैग सब लेके आया जितना हो सकता है। ये है मेरा ट्रेकिंग का बैग, साथ ही में ये है कैमरा बैग, ये सब सब कैमरा इक्विपमेंट मेरा है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आज ये सब हम शेयर करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा आप सभी। सो अभी हम जा रहे हैं परमिट के लिए। जितना पता चला कि इंडियन लोगों के लिए 1800 रुपये है नेपाली करेंसी में, तो जाने से पता चलेगा। ये हमारा गाइड साहब है, साथ में रहेंगे पूर्णा जी, पूरे 4 दिन हमारे साथ ट्रेकिंग के लिए रहेंगे। तो ये है परमिट का ऑफिस, पूरा लिखा हुआ है। नमस्ते नमस्ते जी, कैसा है? ऐसे परमिट मिलेगा। एग्जैक्टली अगर लेक साइड व्यू से उधर से कोई आएगा तो इधर है परमिशन का। वाह, ये लेक साइड व्यू इधर है, इधर से आना पड़ेगा परमिशन ऑफिस। फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी निकल रहे हैं, यहाँ से गाड़ी लिया, गाड़ी लेके उसके बाद पीतम देवराली, पीतम देवराली से फिर ट्रेक शुरू करेंगे। अभी देख रहे हो बाहर का नजारा कितना सुंदर है। निकलते, ज्यादा देर नहीं करूंगा, निकल चलते। गाड़ी फेयर लिया 6000 रुपये सब बोल रहा था, देर से 2 घंटे का जर्नी यहाँ से होटल से, तो 5000 में फाइनली डील हुआ। देखो सामने एकदम पर्वत दिखा रहा है, अन्नपूर्णा रेंज कितना ब्यूटी।
है पीतम देवरानी। पीतम देवरानी ये जगह पे सब गाड़ी लेके आता है नॉर्मली। सो एक चीज बताइए, हम लोग आया इधर से लेकिन जाने के टाइम आप बोले दूसरे रास्ता से जाना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से क्यों जाना पड़ेगा, मतलब इस रास्ते से क्यों नहीं लौटता है कोई? उधर का छोटा है ना रास्ता। अच्छा उधर रास्ता कम होगा, डिस्टेंस कम पड़ेगा। चलो अभी तो बहुत भूख लगा है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पूरा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हमारा गाइड पूर्ण जी है, हमारा साथ में रहेंगे आज। ट्रेक हम लोग का चालू है, शुरू हो गया, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ट्रेक। पीतम देवरानी से अभी चालू कर दिया हम लोग ट्रेक। रास्ता आने का टाइम में गाड़ी में आया ठीक, गाड़ी में अगर रिजर्व करेंगे तो 6,000 रुपये लेता है नॉर्मली, बट हम लोग हमारे पूर्ण जी थोड़ा बार्गेन करके उसको 5,000 किया, बट इट इज वर्थ क्योंकि जब रास्ता देखा हम लोग तो रास्ता में 5-6 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, फिर बेचारा को फिर लौट के भी जाना पड़ेगा। हाँ तो उसके लिए अगर आप कोई भी ग्रुप में आ जाए तो 6,000 रुपया ग्रुप में बांट लेगा तो एक एक जन का बहुत कम ही हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से ट्रेकिंग कर रहे हैं, आज वेदर बहुत शानदार है तो इसलिए माउंटेन पीक जो वीडियो अभी दिखाया वो देखने से आप सब लोगों को पता चल जाएगा कितना अच्छा मौसम है आज। हम बहुत लकी है, वेदर बहुत अच्छा है। बीच बीच में सब व्लॉग बंद कर देंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे चालू करेंगे, क्योंकि नहीं तो बैटरी भी कंज्यूम हो जाएगा, मेमोरी भी अननेसेसरी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं रे? हाँ कैसा लग रहा है बोल? बहुत ही अच्छा। हाँ स्टार्ट ही किया सर। हाथ हाथ में लेके बोल, बोल तुझे। हाँ अभी तो ट्रैक से हम स्टार्ट ही किया, अभी देखना पड़ेगा कितना चल सकते हैं। वह तो टारगेट तो है अपना साउथ तक पहुंचने के लिए। ए पुन्नु जी हम लोग जो जा रहा है जगह, ये जो ट्रैक का नाम क्या था कि क्या माल, ये जो ट्रैक जा रहे हैं हम लोग मार्दी हिमाल ट्रैक। हाँ ये ट्रैक है मार्दी हिमाल ट्रैक। ये जाने हम लोग का जाने का प्लान था पहले अन्नपूर्णा और गांधरुख होके, लेकिन प्लान बदल दिया हम लोग। दो कारण है इसके पीछे, एक है हमारे हाथ में टाइम बहुत कम है, टाइम कम है मतलब ट्रेन फिर पकड़ेंगे, रिटर्न टिकट है रक्सौल से हावड़ा तक 20 तारीख को, तो हम 20 तारीख को ट्रेन कैसे पकड़े उसके लिए हमको 19 तारीख को रक्सौल पहुंचना ही पड़ेगा इवनिंग तक, क्योंकि रास्ता बहुत 8-9 घंटे का है, रास्ता भी खराब है तो पहुंचने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले दिन जिस दिन ट्रेन टिकट कटा हुआ है उसका पहले दिन ही हम लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ पे रहने का बंदोबस्त कर दिया हमारा लोकल, वहाँ पे कुछ जान पहचान दोस्त है, वो लोगों ने शानदार फ्लावर पड़ा हुआ है, देखिए सब सब फ्लावर्स, कौन सा फ्लावर पता नहीं बट फ्लावर पड़ा हुआ है रास्ता में, बहुत सुंदर नजरा। तो जैसे कि हमने बता रहा था कि अच्छा ये जो फ्लावर है जो बोल रहा था ये सब इसका फ्लावर है, ये जो पेड़ इसका फ्लावर है जो हम लोग ट्रेक कर रहे हैं। अच्छा ये ट्रेक करके हम जाएंगे फॉरेस्ट कैंप तक जाएंगे ट्रेक करते। इरादा है आज 3-4 बजे तक हम फर्स्ट पड़ाव जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मतलब फॉरेस्ट कैंप में 3-4 बजे तक। तो चलते हैं, हैप्पी ट्रैक, साथ में रहिए। और एक चीज़ बता दूँ, जब भी ट्रैक में आएंगे चॉकलेट लेना मत भूलिए, भूख लग सकता है, बीच बीच में
खाने के लिए जगह तो मिलेगा लेकिन बहुत कॉस्टली है। अब यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू ये गेस्ट हाउस में। यहाँ पे हम लोग शायद ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इस जगह पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अभी। और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वाह, व्यू तो बहुत शानदार है यहाँ से। हाँ, बहुत अन्नपूर्णा बहुत सुंदर, स्वर्ग जैसा एकदम पूरा। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लस एक गेस्ट हाउस टाइप रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रहने का भी है आपको? है। रहने का भी है, बस आने से ही मिल जाता है रहने का? इधर में, ऊपर में, ऊपर में सब है ना? सब है। बट बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल। इधर से जाने का ये दो घर है, अभी एक घर है। अच्छा, बाद में दो तीन घंटे के बाद में अच्छा एक जगह बैठने का जगह आता है ऐसे ही। अच्छा, होटल। ओके, बाद में वो दो दिन में वो उधर में पहुंच जाएगा। ओके ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं जी। बहुत अच्छा है ये जगह। हाँ हाँ, बहुत सुंदर रहने का जगह भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नमस्ते नमस्ते। अभी वहाँ पे ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद निकले हैं अभी फॉरेस्ट कैंप के तरफ। ये जैसे कि नाम फॉरेस्ट कैंप है तो बाकू भी आपको पता ही चलेगा कि फॉरेस्ट के अंदर से ही जाना पड़ रहा है। और सही में हम फॉरेस्ट के अंदर से ही अभी जा रहा है। हाँ, ट्रेकिंग ज़्यादा कष्ट नहीं है इसमें क्योंकि रास्ता ट्रेकिंग का जैसा बना हुआ है। अगर उठने का ऐसा है तो फिर जाए कुछ देर बाद फ्लैट रास्ता है ताकि सवारी जो पर्यटक है, जो ट्रैवलर है, वो उठते उठते हाफ ना जाए, थक ना जाए। तो इसलिए इसी तरीका से ट्रेक का रास्ता बना हुआ है। एक बढ़िया लगा, ये पूरा घना जंगल है। हम जंगल ढूंढते रहते हैं, अरे यहाँ पे देखो जंगल ही जंगल है। हम लोग बाहर से आके जंगल ढूंढते रहते हैं कहाँ पे जंगल में जाए थोड़ा एक दिन टाइम बिताए, लेकिन यहाँ पे पूरा जंगल है। तो एक चीज बता दूं आपको, ट्रेकिंग के लिए हम लोगों ने ये स्टिक लिया रेंट में, रेनकोट लिया रेंट में। हालांकि आज तो वेदर बहुत अच्छा है, रेनकोट फिर भी रखना चाहिए क्योंकि कब मौसम खराब हो जाए, चुटकी भर टाइम में ही मौसम खराब हो जा सकता है, तो इसलिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, कोई कोई ट्रेकिंग के लिए डरता है, डरने का कोई बात ही नहीं। जो हम अभी तक आया और हाँ बीच में एक जगह जगह पर जहाँ पे जैसे खड़ा ही है, जैसा अभी है ये जो खड़ा ही है, लोग उठ रहे हैं, देखें ये थोड़ा बहुत खड़ा ही होगा तो इसमें चढ़ने के दौरान थोड़ा तकलीफ महसूस करेंगे आप, लेकिन उसके बाद देखेंगे फ्लैट रास्ता आ जाएगा तो उतना कष्ट नहीं होगा। और स्टिक अवश्य लिए हाथ में, मतलब रेनी सीजन में तो खैर ट्रैकिंग बंद रहता है मेरे ख्याल से, बट इन केस अगर बारिश भी हुआ तो आपका ज़रूर स्नीकर जो है वो चेक कर ले, परख ले बढ़िया स्नीकर के साथ। चलिए, स्नीकर भी भाड़ा में मिलता है, 200 रुपये पर डे, वो सेफ है। अभी हवा चल रहा है, ठंड मैं महसूस कर रहा हूँ ठंड, लेकिन ये चल रहा हो बॉडी का टेम्परेचर भी उसमें बढ़ रहा है ना, तो वो कुछ हद तक कंपेंसेट हो जा रहा है। बट हाँ, एडवेंचरस बढ़िया एक्सपीरियंस है, सुपर जगह तो सुपर है, व्यू पॉइंट सुपर है, तो मिस ना कीजिए। और चारों तरफ रोडोडेंड्रॉन भी है, कि पूरा भरा तो नहीं है लेकिन है। इस रोडोडेंड्रॉन में पहाड़िया रास्ते में ट्रेक करते वक्त अगर मिलता है तो नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों चलते चलते अभी हम लोग यहाँ पे आप पहुंचे एक जगह पे, ये जगह का नाम क्या है? गौडा। ये जगह का नाम गौडा,
एक जगह पे रेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, चारों तरफ रोडोडेंड्रॉन बहुत भरा हुआ है, दिखाता हूँ। और नजारा एकदम एक तरफ देखने लायक है, नजारा जो है यहाँ का देखने लायक है। क्या ब्यूटी है इस तरफ का, पूरा माउंटेन पीक। सो अभी हम लोग फॉरेस्ट कैंप जस्ट पहुंचने वाले आ गए। टाइम देखिए 3:53, ऑलमोस्ट 7 बजे निकला था हम लोग। इतना आया घूम घूम के ट्रेकिंग करते करते बीच में बहुत दिक्कत था। अभी बारिश शुरू हो गया सरा सरा, एकदम सही टाइम पे हम लोग पहुँचे, नहीं तो बारिश में भीग जाते पूरा। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का, अगर आप यंग हो, जोश में हो तो ठीक है, तो ठीक है, आप और भी जल्दी पहुँच जाते। लेकिन आराम से आइए, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, 7 बजे पोखरा से निकलने से। ये है अभी हम लोग घुस रहे फॉरेस्ट, यहाँ पे आज ठहरेंगे, कल फिर यहाँ से शुरू होगा और जर्नी फॉरेस्ट कैंप से जाएंगे। वह हाई कैंप ना, कल हाई कैंप जाएंगे फॉरेस्ट कैंप से। ये है फॉरेस्ट कैंप, बहुत सुंदर बना हुआ है। नमस्ते नमस्ते, ये देख लेते इधर, ये है कैंप। देखते अंदर क्या क्या है। गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग यहाँ से फॉरेस्ट कैंप से प्रस्थान कर रहे हैं हाई कैंप की तरफ। सो आज 15 तारीख हो गया, हम लोग 10 तारीख को निकले थे, 5 दिन ऑलरेडी हो गया फॉरेस्ट कैंप से। हाई कैंप जाके पहुँचते पहुँचते फिर 3-4 तो बाजी जाएगा, फिर वहाँ पे जाके हम लोग को स्टे करना है। कल सुबह मेन व्यू पॉइंट में जाना है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्यू पॉइंट में जाके एटलीस्ट स्नो मिल जाए और वेदर ऐसा ही मिले तो बहुत बढ़िया होगा नज़ारा, है ना पुण्य जी? तो लेकिन ये डिपेंड करता है पहाड़ों में कब क्या होगा, नोबडी नोज। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। सो निकलते, ये होगा हमारा सेकेंड ट्रैक।
गाइज अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी तक जो ट्रैक था थोड़ा चढ़ाई था, थोड़ा उतराव था, चढ़ाव के मुकाबले उतराव मोटा मोटी लगभग सेम ही था, लेकिन अभी यहाँ पे चढ़ाई खाली आपको दिखा रहा हूँ एक जगह का, देख लीजिए एक बार चढ़ाई कैसा है, यहाँ से ही दिखाता हूँ, अब देख लो यहाँ से चालू होगा एकदम ऊपर तक वो चढ़ाई है, तब तक चढ़ना पड़ेगा हमको, उठना पड़ेगा, उठेंगे जहाँ तक उठ पाएंगे उठेंगे, फिर जहाँ तक देखेंगे उठ नहीं पा रहे हैं खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, एकदम पॉज रेस्ट ले लेंगे फिर चढ़ेंगे, ऐसा करके जाना है। ये है लो कैंप, ये एक मेन डेस्टिनेशन पॉइंट है, हम लोग जब लौटेंगे हम लोग का लौटने का जगह होगा यहाँ से, हम लोग इधर से आया मतलब इसी रास्ता से आया, लेकिन हम लौट के जब जाएंगे इसी रास्ता से जाएंगे, ये जो लिखा है सीडिंग, इधर है फॉरेस्ट कैंप इधर सीडिंग, तो हम इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ आया है अभी, इस तरफ से हम लोग आया है, get set go मेरा एक जन काली उसको आप देखो आप चलने का तरीका, इसलिए जब भी आएंगे थोड़ा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके आइए प्रैक्टिस एक्सरसाइज घर से, क्योंकि आप एकस्टम नहीं है ये सब ट्रेन में से, एक रेस्टिंग पॉइंट है पीक में, तो जगह जगह पे ऐसा रेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, आप चढ़ सकते हो, थक जाओगे तो वहाँ पे जाके आप रेस्ट ले सकते हो। तो अभी हम लोग एक रेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, हम लोग अभी खड़े हैं सब रेस्ट करने के लिए, ये सब रेस्टिंग पॉइंट है, टॉयलेट है यहाँ पे, टॉयलेट फॉयलेट सब, अगर वॉशरूम जाना है वो भी जा सकते हैं, तो वेरी सिस्टमेटिकली ये सब बना हुआ है, किसी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी 11 बजे सिर्फ, बहुत देर है सर भैया, अभी हम लोग रेस्ट हो गया थोड़ा बहुत, उठे उठे उठाए यहाँ पे रोडी डॉन रोड का, और अब जा रहा हूँ हाई कैंप। हेलो, लौटने के टाइम पे अभी दिक्कत आएगी, अल्टीट्यूड किसी किसी का भी जगह पे होगा भी, तो अभी हम देखिए सब टूरिस्ट अभी आ रहे हैं, हेलो नमस्ते। बीच में ऐसा एक जगह रास्ता देखो,
खाली स्टोन बिछा हुआ है, पत्थरों पत्थर के ऊपर से सही तरीके से स्टिक देके उसके बाद लोहे का था। तो मेरा दिखाने का मतलब यही है, मैं सोचते रहता हूँ हर वक्त जब ये सब देखता हूँ, जब तकलीफ मेरा होता है बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे, मैं सोचा ये लोग कैसे कर सकते हैं सब, इतना ऑल्टीट्यूड में ये सब भारी सामान लेके उड़ रहा है, ये लोग भी आदमी हैं हम भी हैं। अब बोलेंगे ये लोग हैबिचुएटेड है, वो सही है, लेकिन हैबिट तो तुरंत नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं से ये लोग शुरू भी किया था, इन लोग को तकलीफ हुआ था। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों को तकलीफ हो रहा है ये इसको दिमाग में मत लाइए, चलते रहिए, जहाँ पे आपको पैर दुखेगा रुक जाइए, उसके बाद चलिए, तो खुद ब खुद ये हैबिट बन जाएगा, तकलीफ भी कम होगी। फेवरेट था ये रोडोडेंड्रॉन का गार्डन देखने का, इसके लिए सिक्किम भी मैं गया था, लेकिन अभी देखो एकदम हाथ का सामने मेरा एकदम कितना ब्लूम है, फुल ब्लूम, चारों तरफ रोडोडेंड्रॉन। ये शायद ये जगह का नाम है बदल डंडा, ये देखिए 3300 मीटर बदल डंडा। So I am just now here. जगह पे एक खच्चर से ये लोग सारा सामान लेके आते हैं नीचे से ऊपर, इसलिए फूड और यहाँ पे रहने के बाद जो जो चीज़ यूज करने वाला है वो सब चीज़ इतना कॉस्टली होता है, आप खुद समझ सकते हो इसके बारे में। बेटा पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे ये सब एनिमल का ये लोग ध्यान भी रखते हैं अच्छी तरह से, सही टाइम पे खाना भी देते हैं, रेस्ट भी करवाते हैं। सी द फ्लावर ब्लूमिंग फ्लावर ऑफ रोडोडेंड्रॉन एंड द सीनिक ब्यूटी। अभी हम आज का जो ट्रेक है वो यहाँ तक ख़त्म कर दिया, सोचा था जाएंगे लेकिन बहुत ऑल्टीट्यूड था, कुछ मेरा फैमिली का मेरा पैर इतना दुखने लगा, प्लस यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस। सो हम सोचे क्यों ना बेहतर इससे बेहतर रुक जाए, रेस्ट लिया जाए, निकट जाए, तो आज यहाँ पे हम रुके हैं, इसका नाम है बादल डंगा है। अब मौसम देखो अब कितना सुंदर है, ऊपर में आप देख सकते हो उधर इधर आसमान है, चारों तरफ फ्लावर्स है, रोडोडेंड्रॉन, ऊपर से चांद मामा दिखाई दे रहा है। कल चलूंगा, फिर कल मैं अकेले चलूंगा अपने गाइड के साथ। ये है ठहरने का जगह, लकी व्यू गेस्ट हाउस इसका नाम है।
लकी व्यू गेस्ट हाउस इसका नाम है। ये रूम सब बना हुआ है छोटा छोटा। हम लोग 3 नंबर रूम में हैं। ये 3 नंबर रूम में है। हम लोग 3 जन है तो 3 बेडेड रूम लिया। छोटा कोजी रूम है बट स्टिल ठीक है रहने के लिए। मतलब देखभाल सब इन्हीं में करता है रिसोर्ट का इसका। अच्छा पूरा पूरी ओके। और सैलरी पेड है शायद सैलरी दिया जाता है इनको। मालिक कहाँ का है? ओ मालिक देवराली पीतम देवराली। ओ मालिक को पीतम देवराली का है। उनका तो वहाँ बड़ा है ना। अच्छा उनका ही है ये बना हुआ। वो भी उनके है वहाँ का भी उनके है। अच्छा अच्छा। ये अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आग मतलब लकड़ी का आग तप रहा है। बाहर में टेम्परेचर तो एकदम अभी होगा कितना टेम्परेचर? अभी होगा 5 होगा। 5 होगा ना। सोचिए हम लोग टाउन में अभी एसी चला के गर्मी में पसीने पसीने हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे ठंड कितना देखो। ये किचन है। ये भाई खाना बना रहा है यहाँ का ही देखभाल करता है। पहाड़ियों में एक जगह पे अगर आप मतलब अगर आप स्मोकर हो तो सावधान रहिए। स्मोकिंग लोगों का स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। सच में अगर स्मोक करेंगे तो आप इतना हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे चढ़ेंगे? वो भी नहीं कर पाएंगे बीमार हो जाएंगे। बच्चा गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग करीब 6 बजे निकले ब्रेकफास्ट करके तो निकल कर अभी जा रहे हैं व्यू पॉइंट में। अभी पीछे का नजर आ खाली ये हिमालय का देखो। ये है अन्नपूर्णा रेंज। जस्ट उसके सामने हम खड़े हैं। पीछे पूरा स्नो बर्फ में भरा हुआ अन्नपूर्णा। इधर भी ट्रैकिंग होता है बहुत डिफिकल्ट जैसे मैं बोला था पहले बट ये अभी हम लोग हाई कैंप की तरफ अभी जा रहा है। हाई कैंप हो तो हाई कैंप में नहीं रुकेंगे वहाँ से सीधा चले जाएंगे व्यू पॉइंट। तो मिलते हैं वहाँ जाके हाई कैंप की तरफ। ऑलमोस्ट क्लोज टू हाई कैंप। ये है हाई कैंप। नजारा कुछ अलग ही है। अभी पता 7 अरे मैं पीछे से पीछे जाऊँ ऐसा करके तो आप देखो प्रकृति का नजारा। चारों तरफ फ्लावर रॉक उसके बाद यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा है अन्नपूर्णा।
दे देने के लिए। ये देखो ये अन्नपूर्ण में ड्रॉप करेगा, आप वहां पे देखो मजा लो फिर निकल जाओ। कैसा आपको लग रहा है ये दृश्य? जरूर आप महसूस करेंगे काश मैं यहाँ पे गया होता, ठीक है ना? जरूर आप लोगों में से जितना लोग देख रहे हो सबने ये सोचते होंगे काश मैं यहाँ पे गया होता, और जो लोग आए हैं वो लोग तो बाखूबी में इसका मजा ले चुके हैं। पूरा सफेद चादरों में ढका हुआ अन्नपूर्णा रेंज, कितना बढ़िया दृश्य। ये जो वीडियो फुटेज है तो मतलब ये जो दृश्य है ये मेमोरी हर वक्त रहेगा अपना जहन में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरा ट्रैवल ब्लॉग करने का एक उद्देश्य है। एट ओल्डर एज आई विल एंजॉय, आई विल प्ले दिस वीडियोज एंड आई विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट, एंड आई विल रिकॉल दैट वंस अपॉन अ टाइम आई वाज देयर एंड डूइंग व्लॉगिंग। हम लोग हाई कैंप तक पहुंचे, जस्ट अभी बज रहे 8, पूरा 8 करीब, 2.5 घंटा लग गया ना, 2.5 घंटा लग गया हाई कैंप तक। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पहाड़ी ट्रेल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे ओनली सोलर पावर से चलता है। एक नंबर, दो नंबर पानी रिसोर्स नहीं है यहाँ पे, तो पानी के लिए यहाँ पे ये जो छोटा छोटा पाइप आप लोग देख रहे हो कि नहीं मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, मेरे साइड में मैं दिखाता हूँ एक बार। ये पूरा पाइप बिछा हुआ है, ये पूरा पानी के लिए सप्लाई के लिए एकदम नीचे से, तो इसलिए यहाँ पे जगह का चीज़ें खाने का सामान पानी भी इवन कॉस्टली है। यहाँ पे हम लोगों को ठहरना था कल हाई कैंप में, लेकिन हम लोग बादल डालने तक जगह रुक गए तबीयत खराब होने के कारण, यहाँ पे ठहरना था हम लोगों का। सब देखिए ये लोग बना रहा है, यहाँ पे जो ठहरने का जगह ये लोग बनाता है, ये ऐसे ही बना रहे हैं लोग। और की चोटियों के ऊपर खड़ा है व्यू पॉइंट जो करीब 5,300 मीटर हाइट है, यहाँ पर खड़े हैं। स्नोफॉल्स हो रहा है,
खराब है और इधर पूरा क्लाउडी है। अभी ये है मेन पिक पॉइंट। देखिए वेदर खराब हुआ तो क्या हुआ, स्नोफॉल शुरू हो गया थोड़ा। देखो स्नोफॉल तो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ आवर फोर्थ डे ट्रेक का। आज हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, यहाँ से नीचे की तरफ रिटर्न करेंगे आज, तो चौथा दिन। बहुत दिक्कत हुई बीच बीच में, बट एनीवे, बट दिस रिसोर्ट इज़ वेरी गुड, फैंटेस्टिक। इन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया, लेकिन खाना बहुत कॉस्टली है, ये सब जगह पर ही है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, शिलोंग जाएंगे आज। आज एकदम स्ट्रेट कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके शिलोंग तक पहुँचे। शिलोंग है प्लेन्स में नीचे आएगा एकदम, तो वहाँ पे जाके मुझे इंटरनेट, टेलीफोन नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा शिलोंग। तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके शिलोंग पहुँचे आज, जैसे भी हो। चलते हैं, जाके मिलते हैं शिलोंग। टाटा।